अच्छी बात कही। कैसे हैं आप लोग? थोड़ी आवाज गूंज रही होगी। सो दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। अपने रूम में हूँ। अच्छा है। और यहाँ ये बैकग्राउंड देख रहे होगे, मेरे लास्ट वीडियो में आपने ये देखा होगा, मैंने मीशो में दिखाया है। मैं ये काम किया, ये मैंने मीशो से मंगाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने वीडियो बनाई है। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। ओके ओके। तो ये मेरा ये हॉल है। फिलहाल मैंने इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ है, कुछ भी लगाया नहीं है, खाली सा पड़ा हुआ है। पीछे विंडो है, विंडो के बाहर के लोग दिखते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ देखने लायक है नहीं, सिर्फ बिल्डिंग्स है। तो या वेलकम, कैसे हैं आप लोग? मेरा बहुत ही टाइम के बाद, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी और बनाऊँ फर्स्ट ब्लॉग, बट यहाँ नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ चीज़ें या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब बनी रहती थी और कुछ दिखाने का ऐसा था नहीं मेरी लाइफ में। और मेरी लाइफ में क्या मतलब ऐसा कुछ है नहीं एक्साइटेड दिखाने का कि मैं ब्लॉग करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, जो आप लोगों को देखे मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन मुझे लगा कि आज क्यों ना मैं कुछ ऐसे कुछ अलग सा करती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ मैं। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं सोच, एक्चुअली मैं हॉल से रूम में आ गई हूँ क्योंकि रूम में बहुत आवाज़ ज़्यादा गूंज रही थी, तो मैं फिलहाल अभी अपने रूम में आ गई हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, मैं मुझे लगा कि आज क्यों ना कुछ अलग किया जाए। अलग बहुत ज़्यादा अलग नहीं, बट आप वीडियो में बने रहो तो आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके। एक्चुअली क्या है, मुझे अभी याद आया, अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए तैयार ही होना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैं थोड़ी बहुत रेडी हो जाती हूँ। तो मुझे लगा अगर रेडी हो रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ कि मैं कैसे रेडी होती हूँ। मेरा मोबाइल गिरा जा रहा है नीचे, मत गिर भाई, ठीक है? तो हाँ, तो मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी होते होते आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं रेडी कैसे हो रही हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी, सोची मैं थोड़े से बालों में कुछ स्टाइल बना लेती हूँ। तो स्टाइल बनाने के लिए मैं रच चाहिए क्या हो रच को? पता नहीं क्या करूँगी, बट हाँ मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मैं वो टूल वगैरह यूज़ करूँ, कुछ भी हीट वगैरह लगाऊँ, क्योंकि मैं अभी नहा के निकली हूँ, मैंने अभी हेयर वॉश किया है और मैं बालों को डैमेज नहीं करना चाहती। ऐसे उसे साइड भी कर लेंगे, ठीक है? तो ये डन, ये हो चुका है, इसको भी छोड़ दिया। ऐसे ये क्योंकि गीला था तो ये मतलब नेचुरल तरीके से हो रहा है और बाल गीले भी हैं, जब तक बाल सूख नहीं जाए तब तक इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे कम से कम लग जाएंगे, फिर भी कम कर दो तो 1 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? इसको ठीक है। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं ऐसे कुछ ड्रेस डाल के और चली जाऊंगी, बट मैं ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि मैं जहाँ ऐसे जा रही हूँ मैं वहाँ वैसे जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो मार्केट है, लोकल मार्केट है यहाँ का, बहुत ही फेमस मार्केट है यहाँ का लोकल मार्केट जहाँ मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो मैं वहाँ ऐसे नहीं सोच, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं सोच रही हूँ जीन्स डाल लेती हूँ जो बेस्ट एंड कम्फर्ट है। सो यार, आई एम रेडी विथ माई टी शर्ट एंड ये काइंड ऑफ पैंट। तो यार आई थिंक ये मार्केट जाने के लिए बेस्ट है, सबसे सही है, कंफर्ट भी है। ये पैंट टाइप का है, नॉर्मल मुझे नहीं पता समझ में आ रहा, बट हाँ जो भी है जैसा भी यही है, यही पहन के जा रही हूँ मैं। नीचे व्हाइट शूज डालने वाली हूँ, गुड टू गो। तो यहाँ से हैंडओवर जाता है वॉइस ओवर यामिनी जी के पास। तो हम राजवाड़ा पहुँच गए हैं, राजवाड़ा के सामने वाली गली पे एकदम घुसते ही हम यहाँ पे जहाँ पहुँचते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे फ्रंट साइड सीधे चले जाओगे तो राजवाड़ा है, अगर आप पीछे साइड जाओगे तो वहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से हम घुसते हैं, वहाँ से आके हमें स्कूटी लगानी पड़ती है पार्किंग में। अगर आप इधर उधर लगाओगे तो पुलिस वाले उठा ले जाते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब वहाँ पे जिस दिन मैं गई तो उस दिन इतनी प्रॉब्लम थी,
कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तो वहां से निकल के, वहां से जैसे हम पार्किंग से निकलते, मैंने आपको दिखाया, और वहां से आप स्ट्रेट आओगे तो वहां से सीधे जाना पड़ता है, इधर उधर आपको नहीं मुड़ना है गली में कहीं भी, आपको सीधे जाना है। आप सीधे यहां से आओगे तो यहां से राजवाड़ा स्टार्ट हो जाता है, पूरा मार्केट, पूरा गर्ल्स का मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है यहां पे। 100 रुपये से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं आपकी, और आप 100 रुपये से कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लड़कियों के सारा सामान मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जाते जाओ, पूरा मार्केट है। तो यहाँ पे आप जब आगे आओगे तो ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने इस साइड गली जाती है, उधर साइड जाती है, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको उसके बगल से सीधे ही जाना है, तब आपको मेन मार्केट मिलेगा। अगर आप इधर उधर निकल जाओगे तो आपको मेन मार्केट नहीं मिलेगा, तो आप भूले नहीं सीधे जाएं वहां से। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है रोड किनारे में, तो इसके आप सीधे सीधे निकलते जाओगे तो आपको मेन मार्केट मिल जाएगा। भैया प्राइस क्या है? 200 150 200। और जो ये ओवरकोट लगी है ये 350-400 में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते सस्ते मतलब, और बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। थोड़ा आपको एक बार ड्राई क्लीन वगैरह करवाना पड़ता है, उसके बाद बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब आप यूज कर सकते हो आराम से। आप देख रहे हैं फैंसी टॉप 200 रुपये की, मतलब ये तो वैसे लेने लायक नहीं है कि आप पार्टी वगैरह पहन के जाओ, या भी इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। बट हाँ, ये जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह, ये सूट वगैरह जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कलेक्शन, गौरी कलेक्शन जो है वहाँ पे, यहाँ पे चीज़ें सस्ती, बट हाँ वो आपको वैसे ही नहीं मिलेंगी कि लाइक जो लाख में या फिर 50-60 हज़ार में जो आते हैं, बट आपके मार्केट के कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लगे हाथ मैंने भी कुछ शॉपिंग करी ली थी, जैसे आपको दिखा रही हूँ 5 से 6 जैकेट लिए थे मैंने, कुछ अपने लिए, कुछ फ्रेंड्स के लिए, और कुछ फैमिली, ठीक है जो भी है। तो यहाँ से ज्वेलरी शॉप स्टार्ट होती है, यहाँ पे कपड़ों के भी शॉप है, साड़ियाँ भी मिलती हैं, थान्स के कपड़े भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ज्वेलरी की मेन यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती जाती है, इसके पहले आपको नहीं मिलेगी। तो 50 से 60 रुपये में स्टार्ट हो जाती है ज्वेलरी, हैवी ईयरिंग, नेकलेस वगैरह, चोकर वगैरह जो लड़कियों को पहनना बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर की चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती है वहाँ पे, काफ़ी डिज़ाइनर मिल जाते हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहो, कभी भी आओ इंदौर, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो। 150-150 में, 100-100 रुपये में अच्छे हैवी नेकलेस या फिर चोकर मिल जाते हैं, जो आप साड़ियों में और सब में पहन सकते हो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पायल वगैरह तो ठीक ही है, हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं, ये तो सस्ते में 50-60 रुपये में। ये सॉक्स वगैरह हो, आगे आप जाते जितने आगे आप घुसते जाओगे मार्केट में ना, मेन मार्केट में, उतनी भीड़ बढ़ती जाती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं रहती, मैंने जैसा शूट किया है, मेरे को ही पता लग रहा था फ़ोन गिर जाएगा, फिर कोई छुड़ा के भाग जाएगा, ऐसी भीड़ थी वहाँ पे। तो या ये देखिए यहाँ पे टॉप वगैरह भी, विंटर का टाइम है फिर भी यहाँ पे टॉप वगैरह लगा के उन्होंने रखा हुआ है कुछ कलेक्शन अपने। यहाँ पे मांग टीका वगैरह काफ़ी अच्छे और बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं 150-150 रुपये में। कहीं पे तो अगर बार्गेनिंग आप करोगे तो 100 रुपये में भी दे देते हैं वो लोग, तो या फिर उससे भी कम, जैसे आप पे डिपेंड करते हैं आप कैसे कितना लड़ सकते हो सामने वाले से। तो यहाँ से ये चीज़ें, यहाँ पे जो ये बैग दिखा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से बैग ना लो, अगर लो तो बहुत ही देख के लेना, क्योंकि बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता वहाँ पे लेने से। तो यहीं तक था, अगर आप जाते जाओगे तो यही मार्केट आपको मिलती जाती है, और घूम के वो दोनों गलियाँ मिल जाती है जहाँ से मैं एंटर की थी, आपको बताया था मैंने कि
मस्जिद के बगल से, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी वहाँ पे घूमते घूमते और सारी चीज़ें, इतनी भीड़ थी इंसान ठीक है। तो मैं वहाँ से निकली, वहाँ पे बगल में एक पानी पूरी वाला भैया लगाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी खिलाते हैं, तो मैं वहाँ पे से खाई और खा के मैं वहाँ से निकल ली। तो यार निकल चुकी हूँ मैं फिलहाल यहाँ राजवाड़ा मार्केट से घर की ओर, काफ़ी कुछ सामान ले लिया है, काफ़ी कुछ ले लिया, वैसे घर वालों को ले लिया क्योंकि मैं घर जा रही हूँ अगर आप लोगों को पता नहीं है तो, रीवा जी हाँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बहुत थक चुकी हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, सो प्लीज़ या दैट्स इट, बाय बाय।